वेलकम टू कुकाटी चैनल, कुकाटी चैनल वेलकम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को आपने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। अच्छा, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई रेट लेना हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, बिल्कुल आप मैसेज करें उसमें। अच्छा, आज का टॉपिक मैंने लिए ये है LG का 65 इंचेस का 65 नैनो 86। इसके अंदर है क्या यूनिट LG वालों का तो फेवरेट है ही है, मेरा अपना बहुत फेवरेट है। इसलिए फेवरेट है कि इसके अंदर जो आपका प्रोसेसर है 7 कोर प्रोसेसर जनरेशन 4 लगा हुआ है और पैनल 120 हर्ट्ज का लगा हुआ है। और उसके बाद MEMC में जाएंगे तो वो 120 हर्ट्ज की है, VRR जाएंगे तो 48 हर्ट्ज से लेकर अबव देन 144 तक कंपेटेबल है इसके साथ। और फिर चौथा इसके फिर इसका रिमोट जो है वो बहुत फ्रेंडली है, बट अगर आप LG यूजर हैं तो मुझसे मुत्तफिक होंगे। एक तो इसमें रिमोट के अंदर कर्सर ऑप्शन आई थी है, वॉइस ऑप्शन है और व्हील ऑप्शन है, जिससे जैसे आप व्हील अपने इसमें कंप्यूटर के माउस में यूज करते हैं। फिर 6 किस्म की ट्यूनिंग मिलती है, फिर रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाती है, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग मतलब कोई चीज आप देख रहे हैं और रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, आपकी जो पेन ड्राइव है या हार्ड ड्राइव है उससे बेशक सारा दिन की रिकॉर्डिंग देते हैं, वो रिकॉर्डिंग होती जाएगी उसमें। अगर इसमें जैसे कोई मूवी शूवी आई हुई है, एक दो USB मिल रही है इसमें, चले कोई मूवी शूवी है उसमें आप लगाएंगे तो डाउनलोड करते जाए, देखते भी जाए, साथ साथ डाउनलोड भी होती जाएगी। और इसके अंदर जो ऑप्शन मिल रही है, 4 HDMI मिल रही है इसमें, 2 USB मिल रही है, फिर उसके बाद USB जो है 3.0 वाली भी है, 2.0 वाली, 2 USB वाली है, और HDMI 2.1 की मिल रही है इसमें आपको। और 4 HDMI के अंदर 1 HDMI जो है ACR के साथ है, ऑडियो रिटर्न चैनल के साथ। और उसके बाद अगर जाएंगे मजीद इस पे जाएंगे तो वही 4 MP है, UHD है, 4K है, HIG है, ALLM है, ये अब थोड़े गेमर है जो है वो मेरी बात समझ रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे मेरी, और ALLM भी है। और इसके अगर मजीद अगर हम जाएंगे तो इसके अंदर आपको ये थिन क्यू नजर आ रहा होगा, ये थिन क्यू की एप्स जो है, ये थिन क्यू की एप बहुत मजे की है, थिन क्यू की एप बहुत मजे की है कि आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। प्ले स्टोर से डाउनलोड जब करोगे आप तो आपके सॉफ्टवेयर जब आ जाएगा तो वाईफाई पे अपना मोबाइल रखना है। ये LG की ही ऑप्शंस के साथ है, LG की चाहे वॉशिंग मशीन है, LG का रेफ्रिजरेटर है, माइक्रो ओवन है या डिश वॉशर है या LED है, कि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो आपने ये थिन क्यू को एक्टिव करके इसके साथ अटैच करना, आपने वो डायग्नोस कर देगा आपको कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कि पावर प्लग इन लगा हुआ, मदरबोर्ड का प्रॉब्लम है, लाइट्स का मसला है, जो भी मसला होगा वो आपको डायग्नोस कर देगा। ये थिन क्यू का सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ LG के प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, और जो प्रोडक्ट जिसके ऊपर थिन क्यू लिखा होगा वो प्रोडक्ट अटैचमेंट हो जाएगी। और इसके अलावा कोई मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आपकी मोहब्बत। हाँ, मैं आपको थोड़ा जाते हुए रिमोट भी चेक करवा दूं, ये देखिएगा रिमोट, ये LG का ये वाला रिमोट है, ये व्हील ऑप्शन में बता रहा था, कर्सर सामने आ जाएगा, ये पेयर करना पड़ता है, पेयर करना पड़ेगा आपको, तो मैंने इसे पेयर नहीं किया हुआ। ये वॉइस वाला बटन है इसका, ये बटन दबाएंगे तो वॉइस का यूज हो जाएगा आपका। और उसके अलावा ये देखिए शॉर्टकट बटन्स भी इसके हैं, बहुत मजे का रिमोट है, बहुत फ्रेंडली सा रिमोट बना हुआ है इसका। और इसके अलावा मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा आप बिल्कुल मेरे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। आपकी मोहब्बतों चाहतों का बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम जी।